उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर, यूपी के फर्रुखाबाद में एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों से मारपीट और लूट का ये मामला सामने आया है। खबर है कि ट्रेन में सवार एक परिवार से कुछ लोगों को का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद लोगों ने परिवार के साथ जमकर मारपीट की और कुछ देर बाद ट्रेन से उतरकर चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर लौटे और ट्रेन की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसे और दोबारा मारपीट करने के बाद सारा सामान लूटकर फरार हो गए। उत्कर्ष, जरा पूरा मामला बताइए और क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? सबसे पहले तो इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जहां तक मामले की बात है, ट्रेन में एक परिवार था जो कि एक शादी से लौट रहा था, उनका ट्रेन के अंदर ही मौजूद कुछ दबंग किस्म के लोग थे, उनसे किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पहले तो शुरुआती मारपीट हुई, शुरुआती जो झड़प हुई, और उसके बाद उन लोगों ने अपने कुछ साथियों को बकायदा फोन किया और परिवार ने जब डर के मारे ट्रेन के दरवाजे बंद कर दिए, उस बोगी के दरवाजे बंद कर दिए, तो आपातकालीन खिड़की के शीशे तोड़कर दबंगों ने ट्रेन की बोगी के अंदर घुसे, परिवार के साथ मारपीट की, उनका सामान लूटा और चले गए। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन उस पूरी ट्रेन में जीआरपी का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। और अगले स्टेशन पर फर्रुखाबाद आने के बाद इन लोगों के खिलाफ जब जो परिवार के लोग थे वो काफी घायल थे, पहले उनको अस्पताल ले जाया गया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की केवल और केवल खानापूर्ति अभी तक की गई है। शुक्रिया उत्कर्ष।